तो एक और बजट TWS के साथ मैं वापस आ चुका हूँ और इसका नाम है M90 M90। ऑलरेडी मैं चैनल पे आपको पता है M10 और M19 के रिव्यूज डाल बैठा हूँ, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपकी मर्जी होगी तो कर लेना यार, व्यूज बढ़ जाएंगे। अच्छा, बट हाँ M90 सच बताऊं मुझे पता भी नहीं था थोड़े दिन पहले तक कि इस नाम का भी कोई TWS एग्जिस्ट करता है। बट हाँ, मेरे को एक रैंडमली एक दिन पोस्ट देखी इसके रिगार्डिंग, फिर मैंने देखा काफी ज्यादा यूनिक देखने में इसका डिजाइन लग रहा था और M10 और M19 से थोड़ा अलग भी लग रहा था। और सच बताऊं, बात करेंगे कैसी परफॉर्मेंस की, इसमें लिखा होगा गेमिंग मोड भी मिलता है आपको और इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 250 रुपए का आपको मिल जाता है किसी वेबसाइट पे अगर आप देखोगे सस्ती वाली। अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाओगे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आपको सस्ते में मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं डब्बा जो मेरे पास आ चुकी है। जैसे आप डब्बा खोलोगे अंदर आपको TWS रखे हुए मिल जाएंगे और साथ में एक और चीज मिलेगी, वो है टाइप सी केबल। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा ए टिप्स देखने को नहीं मिलती। अब बात करेंगे इसकी बिल्ड एंड क्वालिटी की। तो देखो, बिल्ड एंड क्वालिटी की बात करूं, हैवी है, अच्छा बिल्ड एंड क्वालिटी लग रहा है 250 रुपए के हिसाब से। इसके ऊपर आप देख सकते हो ये स्टार टाइप का डिजाइन भी, जो रेड में काफी सेक्सी लगता है वैसे। और जैसे ही मैं बात करूंगा, इसके साइड पे आपको टाइप सी का एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा और दूसरी और भी आपको पोर्ट मिल जाएगा जहां से आप अपने किसी डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। हाँ, ये एक पावर बैंक की तरह भी काम करता है और इसकी MAH की बात करूं तो कंपनी ने क्लेम किया 1200 mAh के अराउंड, तब ऊपर नीचे ऑब्वियसली हो सकता है। और यहाँ पे आप फ्रंट की साइड देखोगे अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही आप इसके TWS जो ईयरबड्स हैं उन्हें निकाल के वापस डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रीन सी देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हो अपने ईयरबड्स की। तो काफी सेक्सी लग रहा है और सच बताऊं काफी अच्छा देखने में लग रहा है। और सबसे यूनिक चीज बताऊं, इसको आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, इसे ओपन करने के लिए आपको इसे स्लाइड करना होगा अपने हाथों से। अब जैसे इसे स्लाइड करोगे आप देख सकते हो अंदर आपको दो ईयरबड्स रखे हुए मिल जाएंगे, ये ज्यादा स्लाइड नहीं होता और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है अगर आप थोड़ा टेढ़ा स्लाइड कर दोगे तो थोड़ा अटक अटक के ओपन होगा, लेकिन इसको आप स्लाइड करके ही ओपन कर सकते हो इजीली। डिजाइन की बात करूं मुझे अच्छा लगा, डिजाइन थोड़ा यूनिक भी है और प्राइस के हिसाब से और भी ज्यादा अच्छा। अब बात करें इसकी फीचर्स की, इसमें आपको ऑब्वियसली माइक मिल जाता है, टच सेंसर्स वाले ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लूटूथ 5.2 वर्जन मिलेगा और रेंज जो इसकी 10 मीटर तक की आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। कंपनी क्लेम करती है इसमें गेमिंग मोड भी है और मैं पर्सनली बताऊं यूज किया ट्राई किया कोई गेमिंग मोड नहीं है, आपको उतना ही डिले देखने को मिलेगा जितना एक नॉर्मल TWS में देखने को मिल जाता है जब भी आप गेम खेलते हो। तो ऐसा कुछ नहीं, गेमिंग मोड तो बस नाम का बहाना है, लेकिन 250 रुपए में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ ये चीजें, तो इससे मुझे कोई फर्क खास पड़ा नहीं। बात करूँ साउंड क्वालिटी कैसी ईयरबड्स की, 250 रुपए में मैं बोलूँ अच्छी खासी साउंड क्वालिटी। M90 भी ऑलरेडी मैंने रिव्यू की थी, उनकी भी काफी अच्छी थी, लेकिन इसकी मुझे उनसे ज्यादा मच बेटर लगी। और इनका जो डिजाइन है वो काफी इजिली कान से निकल भी सकते हैं, हो सकता है वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगे अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो, हो सकता है ये कान से निकल जाए इजिली, थोड़े से बड़े हैं क्योंकि ईयरबड्स तो आपका कान का छेद बड़ा है तो वहां पे लगा सकते हो, अगर नहीं है तो देख लेना कोई छोटा और। बट साउंड एंड क्वालिटी में मैं इंप्रेस हूँ, 250 रुपए के हिसाब से मुझे अच्छी लगी और अगर आप भी इसे परचेज करते हो तो आपको भी अच्छी खासी लगने वाली, मैं इतनी तो गारंटी देता हूँ। साथ ही में इस पे आपको टच सेंसर्स मिल जाते हैं और लाइट्स भी मिल जाती हैं, जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो रेड लाइट जलती है, जब इसे केस से बाहर निकालते हो रेड एंड ब्लू लाइट जलती है, बट कुछ देर के बाद वो बंद हो जाती है। और साथ ही में जो इसके सेंसर्स हैं वो भी प्रॉपरली वर्क करते हैं, अगर आप डबल टैप करोगे तो कॉल भी लगा देगा, ट्रिपल टैप करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हो, पोस्ट प्ले मतलब नॉर्मली जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीजें ये कर देते हैं। सेंसर्स वाइज भी काफी अच्छा है। और बात करूं इसका प्ले टाइम जो कंपनी क्लेम करती है वो 20 घंटे का, लेकिन पर्सनली बताऊं यार 10-11 घंटे से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। साथ ही में ये वाटर प्रूफ भी है ऐसा कंपनी क्लेम करती है। देखो मैं बोलूंगा पर्सनली पानी में मत डाल देना क्योंकि खराब हो जाएगा यार, 300 रुपए में आपको इतनी सारी चीजें नहीं मिलती। और साथ ही में अगर आप जिम वगैरह करते हो तो आप यूज कर सकते हो, बट वही बताया ना कहां से निकलने का डर है तो बार बार निकल के कहीं भी नाली में घुस जाएंगे। साथ ही में ओवरऑल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, मुझे कैसे लगे 250 रुपए में मुझे काफी अच्छी चीज लगी, वर्थ इट लगी। साथ ही में जो साथ छोटा सा पावर बैंक है ये भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम आपका कर देता है कभी ना कभी, अगर आपके लाइट नहीं है आपको इमरजेंसी में थोड़ा सा चार्ज करना ये काम चला देता अपना। साथ ही में एक्सपीरियंस साउंड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। बट इसमें जो गेमिंग मोड कंपनी बोलती है वैसा कुछ नहीं है और इसे खरीदने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप चाहो तो वहां से परचेज कर ही सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।